सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम पिछले चैप्टर को आगे लेते हुए, जिसके अंदर कि हमने पढ़ा था रसी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हम जो अपना श्वास है वो कैसे लेते हैं। अब उसको जल्दी जल्दी से हम थोड़ा सा रिपीट कर लें। आज से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो हमारी श्वास प्रणाली है, उसको खत्म कर देंगे। तो मैं अब सिंपल वे से आपको समझाऊंगा। हमने हवा एयर नाक से ली, फिर हमारी वो विंड पाइप के अंदर आई, विंड पाइप में आई, वहां पे विंड पाइप के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, लैरिक्स क्या होता है, उसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स, लैरिक्स में। इसके बाद लैरिक्स के बाद हमारी कहां आई, ट्रेकिया या विंड पाइप। ये ही बात है, विंड पाइप यहां चुकी, यहां चुकी है विंड पाइप, ट्रेकिया। उसके बाद हमारी ये कहां गई, आगे ये हमारी गई उस विंड पाइप को आगे दो हिस्से करते हैं, अब तो उनकाई में। फिर ब्रोन का आगे फिर डिवाइड होगी पतली पतली हमारे नर्व्स के अंदर, जिसको कहते हैं ब्रोंकाइज। फिर ये आगे जो हमारी है पतली पतली नर्व्स में गई, फिर आगे ये हमारे जो मैंने कल बताया था अंगूर जैसे ये लगे हुए हैं, जिसकी भी क्वांटिटी, इसको कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली है ये तकरीबन एक हमारे फेफड़े के अंदर, एक हमारे लंग के अंदर 1 लाख से ऊपर होते हैं एक फेफड़े के अंदर। तो इसके अंदर हमारा जो एयर था उसका डिफ्यूजन हुआ, ये हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर एयर का डिफ्यूजन हुआ, सॉरी चलो वैली है, इसमें हमारा डिफ्यूजन हुआ, जो हमारी ऑक्सीजन आई थी यहां से ऊपर से मिक्स हो गई, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी ऑर्गन से आ गई थी, सभी ऑर्गन से CO2, ये हमारी यहां से वापस चली गई। एयर हमारी यहां से आई यहां पर एल्वियोली के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल, ठीक है। अब यहां से ब्लड के अंदर ये हमारी जो है ऑक्सीजन मिक्स हुई, ऑक्सीजन मिक्स होगी यहां पे, बाकी की एयर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। फिर ये जो हमारा ये जो ब्लड है प्योर ब्लड हो गया, ये यहां था हमारा इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी, इम्प्योर ब्लड था, अब ये प्योर ब्लड। प्योर ब्लड हमारा कहां जाएगा, ये जाएगा हमारा हार्ट के अंदर। असल में यहां से ये जो हमारा हार्ट है, इम्प्योर ब्लड हमारा यहां से अंदर आ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, फिर यहां से हमारा जा रहा था ये लंग्स को। तो जो अब हम ये हमारा प्योर ब्लड हुआ है ये वाला, ये हमारा जाएगा हमारे जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं,
लेफ्ट ओरिकल, इसको हम बोलते जैसे मैंने पढ़ाया था उसमें ओरिकल है ये हमारा राइट ओरिकल है और ये लेफ्ट ओरिकल है। राइट ओरिकल के अंदर हमारे हार्ट के कौन सा ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी, वो जहाँ जो हमारे पूरे शरीर से आया था ये वाला ब्लड। ओके, फिर यहाँ से हार्ट के दूसरे चैम्बर से होकर ये हमारे लंग्स को गया, लंग में से अब ये जो हमारा प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है वो हमारे आ गया लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से आएगा हमारा ये नीचे वाले पार्ट में और यहाँ से फिर हमारा जाएगा पूरे बॉडी ऑर्गन को प्योर ब्लड जो है वो हमारा पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन को सभी सेल को सर्कुलेट होगा। ये हमारा हो गया कंप्लीट जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर हो गया। इसके अंदर श्वास का भी आ गया और साथ में हमारा ब्लड का भी आ गया। ये आपको हम हार्ट का बाद में पढ़ाएंगे तो उसकी वीडियो बाद में अलग से भेजी जाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जैसे कल हमने बात की थी कि इसके अंदर अभी एक हमारा ऑर्गन और रह गया है, वो क्या रह गया है, वो रह गया है डायाफ्राम। डायाफ्राम की मैंने फोटोग्राफ आपको भेजी है, ये हमारे दो लंग्स हैं, हमेशा लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा आपने इनकी नीचा बनाना है और यहां से ये अंदर की तरफ ऐसे होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है हमारा, ये नीचे इसके, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है मांसपेशियों से बना हुआ है। ये हमारी हेल्प करता है हमारे श्वास को रेगुलेट करने के लिए, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट ये हमारा डायाफ्राम ही करता है। आप इसको फील भी कर सकते हैं, यहाँ पे जब हाथ रखेंगे आपको लगेगा कि ये डायाफ्राम जो है हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, ये डायाफ्राम ही है जो हमारा श्वास को रेगुलेट करता है। इसकी फोटोग्राफ मैंने भेज दी आपको। अब इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आप पूछेंगे कि जो हम सांस लेते हैं वो कितनी बार लेते हैं एक मिनट में, एक मिनट के हम सांस लेते हैं एक मिनट के अंदर 12 से 14 बार लेते हैं नॉर्मल में, नॉर्मल पोजीशन में हम 12 से 14 बार सांस को अंदर लेते हैं सांस को छोड़ते हैं बाहर। अगर सीढ़ी चढ़े या भाग के आए तो थोड़ा सा हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल है 12 से 14 बार एक मिनट के अंदर। मान लीजिए हम इसको 13 बार लेते हैं, मान लीजिए एक मिनट में, तो एक घंटे में कितना हुआ 780 बार और 24 घंटे में कितना हो गया, ये हो गया तकरीबन इसको आप कैलकुलेट कीजिए 816 तकरीबन 16-17 हजार बार हो गया ये आपका 16-17 हजार बार आप एक दिन में श्वास लेते हैं, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको देखना है कि एक मिनट के अंदर हम कितनी हवा अंदर लेते हैं, एक मिनट के अंदर हम कितनी हवा अंदर खींच लेते हैं तकरीबन 7 से 8 लीटर। मान लीजिए 8 लीटर एक मिनट में, एक घंटे में कितनी होगी 60 × 8 480 लीटर। अब
480 इंटू 24 एक दिन के अंदर कितनी हो जाएगी, आप कैलकुलेट करेंगे, ये तकरीबन होगी आपकी 11,000 लीटर। कितनी होगी 11,000 लीटर? हम एक दिन के अंदर हमारे वातावरण से हवा अंदर लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। कभी हमने सोचा था कि हमारे ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं ये, हम सोए हुए हैं हमें कुछ नहीं मालूम, तब भी वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन तब भी चल रहा है, हमारा हार्ट तब भी कम कर रहा है, मगर हम इनका ध्यान नहीं करते। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, अपना एसी नए साल एक साल के बाद हम नहीं चलाते हैं दोबारा फिर, या अपना कूलर उसको हम चलाते हैं, तो कूलर को क्या करते हैं हम, कूलर के अंदर जो वो जूट होती है उसकी हम अच्छे से सफाई करते हैं ताकि उसे जो मिट्टी जमा है निकल जाए और हमें फ्रेश एयर अंदर आए और ठंडी हवा पानी मिक्स होकर हमें मिले। ऐसे ही एसी में जो आगे फिल्टर लगा होता है उसकी हम सफाई करते हैं हर एक आध महीने बाद, ताकि जो उसके अंदर गम जमा वो निकल जाए और हमें फ्रेश एयर और ज़्यादा एयर मिले। फ्रेश एयर तो मिलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी भी मिलेगी क्योंकि वो फिल्टर साफ हो गया। ऐसे ही जब भी कोई गाड़ी की सर्विस होती है सबसे पहले उसका एयर फिल्टर साफ किया जाता है, सबसे पहले उसका एयर फिल्टर साफ किया जाता है। बेशक देख लेना जो महंगी गाड़ियाँ उनका तो एयर फिल्टर हमेशा हर बार नया लगा देते हैं, अब उनको बोलो कि धो के डालो, कहते नहीं, इसके अंदर जितनी अच्छी एयर जाएगी उतना ही साफ एयर जाएगी, उतनी गाड़ी आपकी स्मूथ चलेगी। आपका एयर फिल्टर अगर चोक हो जाए तो क्या होगा, एसी की हवा बहुत कम आएगी, कूलर की हवा बहुत कम आएगी, आप सोचोगे हवा पानी क्यों नहीं आ रही, और क्योंकि हवा अंदर जा नहीं रही तो आएगी कहाँ से। ऐसे ही अगर हमारा जो एयर फिल्टर है, जो हमारे फेफड़े हैं वो चोक हो जाए, उसके अंदर गंद जमा हो जाए, हमने कभी साफ किया अपने लंग्स नहीं साफ किए, मैं आपको लंग्स क्लीनिंग की एक वीडियो बना के भेजूंगा कि हमने अपने लंग्स कैसे क्लीन करने हैं। किडनी क्लीन की तो मैंने बना रखी है और काफ़ी वीडियोज हैं उसमें आप देख लेना, स्टमक क्लीन भी है, किडनी भी है, इसकी वीडियो बना के भेजूंगा, हमने लंग्स कैसे क्लीन करने हैं, फिर लीवर कैसे क्लीन करना है, हार्ट कैसे क्लीन करना है, सारी की सारी मैं आपको पैनक्रियाज कैसे क्लीन करना है सारी आपको वीडियो में धीरे धीरे इसमें भेजता जाऊंगा। तो आपने अपने लंग्स क्लीन करने हैं, मैं आपको जल्दी ही 2-4 दिन में इसकी वीडियो बना के भेजूंगा। उससे पहले आप अपना स्टमक क्लीन करना, फिर किडनी क्लीन करना, उसके बाद आपने लंग्स क्लीन करने हैं। तो लंग्स क्लीन की आपको वीडियो थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगी। तो इतने बढ़िया हमारे काम करते हैं। अब हमारे बहुत से साथी सिगरेट पीते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके अंदर होती है निकोटीन। तो निकोटीन जो है अंदर जाके हमारे जितने भी जो ये थे हमारे क्या थे अंगूर के गुच्छे छोटे छोटे जिसमें डिफ्यूजन होना था, क्या कहते हैं इसको, एल्वियोली, ANVE एल्वियोली, इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी थी। अगर वही जाम होंगे तो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी, कम मिक्स होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये 2.5-3 लाख हैं टोटल, तो कुछ तो जो ख़राब हो गए वो तो काम करेंगे नहीं, जो नहीं हुए तो इसीलिए हमारी सांस फूलती है। उसका रीज़न क्या, हमारी सांस क्यों फूलती है, कि हमारे आधे से ज़्यादा जो एलोवेलीज हैं जो अंगूर के गुच्छे हैं जिनमें जिनके अंदर हमारी ये एयर डिफ्यूज होनी थी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग होने थे, वो तो उन्होंने काम किया नहीं, हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कम होगी तो हमारी सांस फूलनी शुरू होगी। तो जिसकी सांस फूलती है, बलगम जमी है अंदर, जो गम जमा है वो सब निकालना है। एक तो मेरी वीडियो है सांस फूलने वाली, उसको देख लेना, वो तो आज से ही शुरू कर देना होगा। क्या करना है आपने यहाँ पे, केवल
दो रुपए ही है, ये लहसुन काट के लगाने हैं, कोई डिटेल्स में दे रखी है, आप देखेंगे आपके अंदर से बलगम निकलने शुरू हो जाएंगे, जो आपको सांस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, बाकी जो गंध अंदर जमा है थोड़ा बहुत तो ये आज से काफ़ी ठीक हो जाएगा, बाकी आपने ठीक करना है कैसे, लंग्स क्लीन से। तो ये तो था इसके बारे में। अब जैसे जैसे सिगरेट हम ज़्यादा पीते हैं तो क्या होता है, एक हमारी कार्टेज होती है विंड पाइप के, जो ये हमारी विंड पाइप आ रही है इसके ऊपर कार्टेज होती है हमारी, जो कि विंड पाइप को सेफ करती है, उसको सेफ रखती है ताकि विंड पाइप फट ना जाए। तो धीरे धीरे ज़्यादा सिगरेट पीने से ये जो है कार्टेज ये भी डैमेज हो जाती है, तो खाली विंड पाइप रह जाती है और वो कभी भी बस्ट हो सकती है। जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर होने की संभावना 100% है, उनको कैंसर होना ही होना है, आज भी होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, वो तो होना ही होना है। अगर कोई जिसको तैरना नहीं आता एक नदी में छाल मार दे तो नेचुरल से डूबना तो है ही है, उसी किस्मत अच्छी हो कि वहाँ पे पानी कम हो अलग बात है, या उसको बाहर से कोई लोग आके बचा लें अलग बात है, अगर उसके पैसे हुए घर वालों ने उसको बचा लिया अलग बात है। तो जानबूझ के कुएं के अंदर अगर छाल मारोगे तो डूबना तो है ही है। तो जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट वैसे ही बंद कर दें और अपने लंग्स जो हैं उनको आपने क्लीन करना है। मेरे पड़ोस में एक रहते थे हमारे साथी, उनको बैंक से रिटायरमेंट मिली, 20 लाख मिल गए, बहुत खुश, सिगरेट पीते रहे बहुत ज़्यादा, दिन में 2-3 दिन डिब्बी, अब खाली घर में बैठे हैं और सिगरेट ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। तो भाई साहब को होगी सांस की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में दाखिल, यहाँ पे न्योएडा में कैलाश हॉस्पिटल में, अब सांस नहीं आ रही है तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे ना उनको, आईसीयू में भर्ती कर दिया, 1 महीना आईसीयू में रहे, जब वो दस्ते उनको घर लेके आए वो नहीं छोड़ देते, जब तक पेशेंट ठीक ना हो तो हॉस्पिटल वाले उनको नहीं जाने देते, उनकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो पेशेंट को ठीक करके भेजें। हर रोज का 30-35 हज़ार का खर्चा होता है आईसीयू में, 8-10 लाख तो पहली बार में ले लिए, बाकी जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे दोबारा फिर बीमार हो गए 2 महीने बाद, बाकी के पैसे वो भी लग गए, जो 20 लाख सारी उम्र उन्होंने मेहनत कर करके वो जोड़े थे, बैंक ने दिए थे, वो सारे के सारे लग गए, वो छुट्टी तब भी होगी, छुट्टी तो सबकी होनी है, किसी की 2 दिन आगे, 4 दिन आगे, किसी की 2 दिन पीछे, मगर जो उन्होंने तकलीफ अपने आप को दी, जो उन्होंने तकलीफ अपने घर वालों को दी, अपने बच्चों को दी, वो जो पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो 20 लाख उनकी मैडम के काम आता वो भी सारा वेस्ट हो गया। खुद भी सुबह सुबह 3-4 बजे खौं शुरू हो जाते थे वो करने। तो सभी साथी जो सिगरेट पीते हों आज से सिगरेट क्या करना, अपने लंग्स को अपने साफ करने हैं, जल्दी आपको वीडियो भेज दूंगा, ये रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम आपका ख़त्म हुआ। अब अगले हम किसी और चैप्टर में आपको स्टार्ट करेंगे, तब तक ये नमस्कार, हैव ए नाइस डे।